हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेणुकास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे से मोदक, श्री गणेश जी का मोदक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है किशमिश, बड़ी सौंफ, इलायची, टूटी फ्रूटी और काजू। काजू को मैंने यहाँ पे टुकड़े कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक वाटी चावल का आटा लिया है और आधा वाटी गीला कोबरा, इसे कद्दूकस कर लेना है, खींच लेना है। इसमें लगने वाली है गुड़। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम। सबसे पहले जो है हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और मोदक के लिए जो लगने वाला है उसका मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। कढ़ाई जो है गरम हो चुकी है, अब इसमें डालते हैं पानी। पानी को थोड़ा गरम होने देते हैं। गुड़ आपको टुकड़े में डालना है तो टुकड़े में भी डाल सकते हो, अक्का डालना है तो अक्का भी डाल सकते हो। टुकड़े में डालोगे तो जल्दी से पिघल जाएगा, अक्का डालोगे तो पिघलने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। मैंने यहाँ पे इसी तरीके से डाला हुआ है। इसे हम धीमी आंच पर रखे धीरे धीरे मिलाते रहेंगे ताकि गुड़ जो है हमारा जले नहीं। अगर गुड़ जल जाएगा तो गुड़ का कलर भी चेंज हो जाएगा और जो मोदक है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा पिघलने में टाइम है, इसे हम थोड़ी देर के लिए और मिलाते रहेंगे, गुड़ हमारा अच्छे से मिल जाएगा। गुड़ पिघल जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी। गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, अभी इसे हम साइड में रख देंगे। अभी गैस पे तवा चढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच मीठी बड़ी सौंफ, 1 इलायची। इलायची का मैंने अंदर का दाना लिया है, बाहर का छिलका नहीं लिया है। इन दोनों को मैं अच्छे से गरम कर लूँगी। गरम होने के बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। गरम हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। फिर से हम इस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इसमें डालेंगे घिसा हुआ गीला कोबरा। यहाँ पे मैंने आधा वाटी गीला कोबरा घिस लिया है किसनी से और अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है काजू, किशमिश और टूटी फ्रूटी, इन सबको इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर और भी आपको कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे बड़ी सौंफ जो हमने पाउडर कर लिया है, उसे डाल देते हैं। बड़ी सौंफ और इलायची डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसको अभी एक बार मिला लेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। 2 मिनट बाद हम गैस ऑफ कर देंगे।
2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अभी गैस हम ऑफ़ कर देंगे और मसाले को ठंडे होने के लिए रखेंगे। मसाला पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। तब तक हम मोदक के लिए जो आटा लगेगा उसकी तैयारी करते हैं। मोदक के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने पहले आपको एक वाटी का साइज़ दिखाया था, यहाँ पे मैंने 1 गिलास भरकर आटा लिया है। आपके घर में जो भी मेज़रमेंट रहेगा आप उसके हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल का आटा लिया है और उतना ही मेज़र का हमें पानी डालना है। जो साइज़ से आप आटा लेते हो उसी साइज़ से हमें पानी डालना है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाला है। पानी में हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। पानी में उबल आ चुका है। अब आटा जो है हमें धीरे धीरे करके इसमें मिलाना है। सबसे पहले हम गैस स्लो कर लेंगे। पानी कम होगा तो हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो आपका आटा भी ख़राब हो जाएगा। उससे अच्छा हम पहले थोड़ा सा पानी कम ही डालेंगे। अगर हमें लगता है कि पानी की कमी है तो हम थोड़ा सा गर्म पानी मिला लेंगे। अभी गैस ऑफ कर लेते हैं और आटे को ठंडा होने के लिए रखते हैं। इसके बाद इसे हम गूंद लेंगे। पाँच मिनट पूरे हो चुके हैं, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। आटा भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अभी आटे को हम गूंद लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदना है। आटा जो है हमारा ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। जब गूंधते वक्त आप ध्यान रखें, हमारा आटा जो है एकदम मीडियम रहनी चाहिए। इस तरीके से हमें आटा गूंध लेना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। मोदक बनाने के लिए इस तरीके से रेडीमेड चासा जो है आपको दुकान में मिल जाएगी। इस चासे में पहले हमें इस तरीके से तेल लगा लेना है और तीनों ढक्कन को इस तरीके से बंद कर एक हाथ से छोटा गोला लेना है और इसके अंदर इस तरीके से डालते हुए हमें प्रेस करते रहना है और हाथ में थोड़ा तेल लगाते हुए इसे इस तरीके से प्रेस करना है। आपको जितना पतला चाहिए उतना हमें प्रेस करते रहना है। जब आप प्रेस करोगे तो आपको फील होगा कि आपका मोदक जो है कितना मोटा है और कितना पतला है। जितना पतला चाहिए आप उतना पतला प्रेस कर सकते हो। अभी मैं आपको ये रेडी करके दिखा दूँगी। इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें करना है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। सभी तरीके से एकदम मीडियम साइज़ का हमने प्रेस कर लिया है।
ये जो मसाला है मोदक का, हम इसके अंदर भर देंगे। इस तरीके से अंदर दबाते हुए हमें मसाला भरना है। मोदक में जितना ज़्यादा मसाला रहेगा उतना ही खाने में अच्छा लगेगा। लास्ट में हमें आटे को इस तरीके से लगाकर प्रेस करना है, एक्स्ट्रा जो है वो निकाल लेना है। हमारा मोदक बनकर रेडी है। अभी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छे से मोदक बन चुका है। आपको नीचे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मोदक हमारा रेडी है। इसी तरीके से आपको सभी मोदक बना लेना है। मैं अभी फटाफट बनाकर मैं आपको दिखा दूँगी। ये मेरा सेकंड मोदक है। मोदक बनाना एकदम इजी है। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। श्री गणेश जी का फेवरेट मोदक है। आप हर गणपति त्यौहार में मोदक ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए और भगवान को भी खिलाइए। घर में छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग इसे बहुत ही टेस्टी से खाते हैं और सभी को पसंद आने वाला मोदक है। अभी ये मेरा सेकंड मोदक भी बनकर रेडी हो जाएगा। अभी बाकी के भी सभी मोदक मैं आपको बनाकर दिखा दूँगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अभी हमारा मोदक बनकर रेडी है। मोदक का जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी का और भी बाकी है प्रोसेस, वो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे मैंने इतने सारे मोदक बना लिया है। नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सुंदर और कितने अच्छे से मोदक बन चुका है। ये देखिए हमारा मोदक बनकर रेडी है। अभी हम इसे वाफ देंगे। ये पूरी तरीके से रेडी नहीं है। अभी गैस पे हम एक टोप चढ़ा देंगे। टोप में जो है हमें पानी मिलाना है। यहाँ पे मैं एक बोतल पानी मिलाऊंगी, कम से कम एक लीटर के करीब। आपके पास कोई भी छलनी होगी, स्टील का या जर्मन का कोई भी छलनी होगा, इस तरीके से आप छलनी ले सकते हो। और इस छलनी में जो है हमें तेल लगा लेना है। मैं आपको किस तरीके से लगाना है बता रही हूँ। ये देखिए ऐसे पूरी तरीके से हमें हाथ से तेल लगा लेना है। तेल लगाने से मोदक जो है हमारा छलनी में चिपकेगा नहीं और एक एक करके सभी मोदक को हम इसके अंदर रखेंगे। मोदक को किसी प्लेट से हमें ढककर रखना है और इसे 10 मिनट के लिए पकने देना है। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा मोदक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अब इस पे हम प्लेट रखेंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। एक बार इसे ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं।
थोड़ी देर के लिए और रखेंगे। दस मिनट पूरे हो चुके हैं, मोदक जो है अब हमारा बनकर रेडी है। अभी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए मोदक कितने अच्छे से बन चुका है। अभी मैं आपको परोस कर दिखा देती हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडे होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा मोदक बनकर रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।